नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर गार्डन के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, जो आज का वीडियो है वो किसी ज्यादा प्लांट इन्फॉर्मेशन पे नहीं है, लेकिन चलो फिर भी मैं थोड़ी बहुत बातें बता दूंगी। तो आज का जो वीडियो है वो, इतना अच्छा मौसम था सुबह, फिर मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। और बिल्कुल आज सुबह से ही बरसात हो रही है, यहाँ काफ़ी तेज़ बरसात हुई। आप बताना आपके वहाँ हुई या नहीं हुई, और हमारे यहाँ तो भी सुबह से इतना ठंडा मौसम हो रहा है। और बस ये देख लो आप गार्डन की हालत, और बिल्कुल काफ़ी तेज़ अभी बारिश होके हटी है, और हल्की हल्की सी अभी भी हो रही है, और अभी भी घटा लग रही है कि अभी भी खूब सारी बरसात होगी भी। तो बरसात में तो वैसे ही कुछ काम करने का मन नहीं करता, कर भी नहीं सकते बरसात में, क्या करेंगे। बस बरसात को एंजॉय करो और अपने गार्डन को देखो। और जैसे सर्दियां हैं, है ना, गरम गरम चीज़ें बना के खाओ, यही हो सकता है बस। और ये सारे भाई गर्मियों वाले प्लांट हैं जो मैंने एक साइड में रख रखे हैं, यहाँ इतनी कोई ख़ास धूप नहीं आती, लेकिन फिर भी इनको भी सेव करके रखना है, जब इनका टाइम आएगा फिर ये भी अपना रंग दिखाएंगे। और कैमरे की जो क्वालिटी है वो आपको थोड़ा अंधेरा सा लग रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, धूप तो आज है ही नहीं, बरसात ही हो रही है, अंधेरा अंधेरा सा भी हो रहा है। और बस आप पूछते रहते हो कि आपके जो समर वाले प्लांट हैं उनका क्या हाल है, देख लो भी, वो सारे के सारे अभी मैंने साइड में ही रख रखे हैं, तो कटाई छटाई करके इनकी। और कुछ इधर भी जो हल्की सी धूप आती है, हाँ ये कुछ सर्दियों के उगा रखे हैं। और अब दोपहर का टाइम है, बरसात जा चुकी है, सारी सफाई हो चुकी है, और ये भी देखो भी कितनी शरारत कर रहे हैं ये, और ये देखो खाने पे कैसे इनकी लड़ाई हो रही है, ये देखो। और जब भी दोस्तों इनके सामने खाना रखते हैं, इनकी ऐसे ही पूरी फाइट हो जाती है, और एक दूसरे को नहीं ये घुसाने देते मुँह, तो अच्छा भी लगता है कि कितनी इम्पोर्टेंस है इनके लिए खाने की। अरे देखो देखो कैसे लड़ाई कर करके एक दूसरे के पैर अड़ा के, हाथ अड़ा के, देखो तो ये आप जो रिक्वेस्टेड वीडियो थी ये, कि मैम आपने कई दिन से आपने किटन्स नहीं दिखाए हैं, ये देख लो भी, अब पहले कितने छोटे छोटे थे और अब देखो कितने अच्छे हो गए हैं ये। और मेरा बेटा है छोटे वाला, वही करता है अभी इनके सारे काम, और वो इनको नहलाता धुलाता भी है डेली, उसका काम है इनको ज़रूर नहलाएगा वो गर्म पानी में सैनिटाइज़र वगैरह डाल के, और इनको बिल्कुल साफ़ कर देता है वो, और फिर इनको ड्रायर भी करेगा। तो ये देखो लग भी कितने प्यारे रहे हैं ना, बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरे से। तो वो इनका खाना तैयार करता है, वो इनको खिलाता है, और उसी के पास ये ज़्यादातर रहती हैं। और अब तो जैसे अब मौसम ठीक हो गया ना, अभी इतनी ठंड नहीं लग रही बरसात होने के बाद, तो अब इनको पीछे छोड़ देते हैं। वैसे ज़्यादा ठंड हो तो फिर मैं इनको अंदर ही रखती हूँ, और नहीं तो फिर जैसे अब ठीक है मौसम, जैसे खाना वाना खाएंगे गिराएंगे और अपना इधर ही फ्रेश वगैरह भी हो लेंगे ये। तो ये देखो अभी बरसात के बाद सारे पेड़ पौधे धूल से गए हैं, और गर्मियों वाले अभी आपको ऐसे ही लग रहे होंगे मुरझाए मुरझाए से थोड़े, तो क्योंकि इनका अभी सीज़न नहीं है, ये अभी चुपचाप बैठे हुए हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे ये पूरी शरारत करेंगे अभी यहाँ गार्डन में घूम घूम के, पहले अपनी पेटी फुल करेंगे और फिर यहाँ खूब शरारतें मचाएंगे ये। अब ये पूरे शरारती हो गए हैं, अब बताना मुझे कमेंट करके अब आपको कैसे लग रहे हैं ये, है ना, पहले से बड़े बड़े लग रहे हैं ना। और ये देखो जिस प्लेट में ये वो खाना लाया था ना इनका, उसके हाथ में से छीन ली इन्होंने, और इसको तो बिल्कुल ऐसा समझ रहे हैं एकदम टॉय जैसा, इसके पूरे ऊपर तक चढ़ जाएंगे। अभी देखो मैं चढ़ते हुए भी दिखाती हूँ आपको कि कैसे चढ़ते हैं, ये देखो ऐसे चढ़ जाते हैं इसके ऊपर, तो बिल्कुल कंधे तक चढ़ जाते हैं इसके। और कई बार किचन में इनका ये बना रहा होता है ना कुछ कुछ खाना, तब भी इसके ऊपर चढ़ चढ़ के देखेंगे भी क्या तैयार हो रहा है। तो अभी ये थोड़ी देर बाहर खेलेंगे यहीं पे, और फिर जब अपना घूम घाम के लगेगा थक गए अभी ये, फिर इनको अंदर कर देंगे। और बहुत से लोगों ने दोस्तों ये पूछा था कि मैम ड्रैगन जो फ्रूट होता है आपका, तो वो होता कैसे है और वो दिखता कैसे है, तो भाई ये होता है ड्रैगन फ्लावर।
और ये एक सुकुलेंट प्लांट होता है और बहुत मैच्योर होने के बाद एकदम से इसमें फूल खिलता है, और इस फूल को भी रात के दौरान ही इसको शूट किया जाता है, क्योंकि दिन में ये फूल बंद हो जाता है, दिन में तो पता भी नहीं लगेगा कि ये फूल खिलता है, और रात के टाइम ही आधी रात के बाद ही ये खिलता है फूल। तो ये देख लो, ये है वो आपका ड्रैगन फ्रूट जिसको कि आप पूछ रहे थे, बिल्कुल एक सुकुलेंट वैरायटी का प्लांट है ये, और इसी फूल का ही फिर वो फल बनता है जिसको कि हम ड्रैगन फ्रूट कहते हैं, और लाल लाल से रंग का होता है, और ये है उसका फूल। और आप देख रहे होंगे पीछे रात है, रात में शूट किया गया है ये, तो इस तरह से फूल दिखता है। रात को ही ये पूरा अपने मतलब खिलाव पे होता है, दिन में आप कभी भी इसको खिला हुआ नहीं देखोगे, रात में खिल के फिर ये सुबह सुबह बंद हो जाएगा, तो इसको शूट ही रात में किया जाता है। और ये पीछे जो आप देखते हो, आपने कईयों के पास देखा होगा ये सुकुलेंट प्लांट, इसको ही ड्रैगन प्लांट बोलते हैं। तो ये देखो, ये दिखने में ऐसा दिखता है, और इसी का ही धीरे धीरे पीछे से फ्रूट बनना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये देख के अच्छा लग रहा होगा, वैसे ही अच्छा लग रहा है ये, है ना। और ये देखो भगवान की करामात है, दिन में खिलता नहीं है और रात को ही खिलता है ये, और इसी का फ्रूट बनता है। इसका फ्रूट भी काफी कॉस्टली होता है ना, बहुत रेयर होता है। तो ये है भाई वो ड्रैगन फ्रूट जिसको कि आप पूछ रहे थे, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है देख के, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो और भाई बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मेरे पास कि मैम हम इस टाइम हम पॉपी के सीड उगा सकते हैं। भाई बिल्कुल उगा सकते हो, और इसके प्लांट बहुत जल्दी तैयार होते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने एक दो दिन पहले के वीडियो में बताया था कि आप ये प्लांट उगा सकते हो। बिल्कुल मैंने इसलिए ही बनाया था ताकि कोई भी आपको कंफ्यूजन ना रहे, आप इस प्लांट को बिल्कुल इस मौसम में उगा सकते हो। और यही मौसम होता है ठंडा सा इसके उगने के लिए भी, क्योंकि इसको ठंडक वाला मौसम पसंद है। और जब इसकी फ्लावरिंग का टाइम आएगा तो हमारा थोड़ा सा समर वाला टाइम आ जाएगा, वो इसके फूल खिलने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। और बहुत जल्दी इसके प्लांट तैयार हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। ये पॉपी के फ्लावर हैं, और इसी तरीके से दोस्तों अपने डेजी के फ्लावर होते हैं, ये भी आपके काफ़ी टाइम तक गार्डन में खिले रहते हैं, और इस टाइम आप इनको भी बिल्कुल लगा सकते हो। बीज होते हैं इसके बिल्कुल छोटे छोटे से, महीन महीन से, जैसे कि इसके होते हैं ना पॉपी के, ऐसे ही होते हैं बस छोटे छोटे से, और बहुत जल्दी इसके प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो ये भी आप इस वक्त उगा सकते हो, बिल्कुल उगा सकते हो, और बहुत सुंदर प्लांट है एकदम। पॉपी में तो चलो कहीं कहीं फूल आते हैं, और डेजी का तो दोस्तों आप फूल लगा लोगे ना, इतने सुंदर फूल लगते हैं इसके, बहुत सुंदर। चाहे आप इसको किसी क्यारी में लगा लो, या आपके पास गोल सा कोई पोट हो ना, जैसे हम पालक उगाते हैं, एक शैलो सा गोल सा बड़ा हुआ बड़ा सा पोट हो, उसमें आप इसके फूल लगा लो, वो इतने खूबसूरत लगेंगे, बहुत सुंदर लगेंगे। और ऐसे आपके क्रेसेंथेमम्स हैं जो कि ये दूसरे वाले होते हैं येलो वाले, तो इनके वैसे मैं देखती हूँ अब तो काफ़ी प्लांट मैच्योर हो चुके हैं कईयों के, लेकिन देख लो एक बार उगा के। मार्च अप्रैल तक चलते हैं ये प्लांट, तो इस वक्त 15-20 दिनों में इनकी पौध तैयार हो जाएगी जल्दी से, फिर ये फ्लावरिंग पे आ जाएंगे थोड़े दिन में ही, 10-15 दिन के अंदर। ये समझ लो जनवरी के महीने महीने में आपके प्लांट तैयार हो जाएंगे, और फरवरी मार्च में फ्लावरिंग होगी। तो बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।